पानीपत नगर निगम चुनाव में अपने प्रत्याशी के हक में वोट डलवाने के लिए प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा ने कहा, सोनीपत की जनता कांग्रेस के साथ है। गांव में 2% पंचायती टैक्स बिजली बिल पर लगाए जाने पर बोले हुड्डा, यह गलत सरकार टैक्स लगाती है लेकिन नहीं देती सुविधा। किसान आंदोलन पर भी बोले हुड्डा, कहा इतनी सर्दी में किसान धरने पर बैठे हैं और उनकी मांगे जायज है। 2% जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। इस सरकार ने हर वर्ग को एक ही भी वर्ग के हित का काम नहीं किया। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स यही कर रही है, बोझ बढ़ा रही है, आदमी घटा रही है। हुड्डा साहब, किसान धरने पर बैठे हैं है? किसान धरने पर बैठे हैं लेकिन सरकार को बैठे हैं और उनकी मांग जायज है। इसी वास्ते मैंने कहा था उनकी जायज मांग तुरंत मान लेनी चाहिए। क्या मांग करे, अपने MSP तो करें। मैं तो अगस्त 14 को अपने उसमें लिख दिया था आर्टिकल में कि भाई 3 कानून लाए हैं तो 4th कानून और साथ ले आए कि जो भी MSP से कम खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान कर दें। मुख्यमंत्री ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।